हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वाईफाई पॉइंट पर, जिसमें कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तकरीबन 200 साल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के लाल किले में। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन कब शुरू किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली क्रांति, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहते हैं और इसे किसने शुरू किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति को पहली क्रांति या फिर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और यह कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 10 मई 1857 में। ठीक है, तो आप ये डेट जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली ने। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2020 को भारत आज़ादी के कितने साल पूरे कर लेगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 74 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1972 को। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को देश की आबादी कितनी थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 32 करोड़। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की आबादी लगभग 32 करोड़ थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने के लिए 17 अगस्त 1947 को कौन सी रेखा बनाई गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस भाषण में देश की आज़ादी की घोषणा की थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, किस भाषण में देश की आज़ादी की घोषणा की थी? तो वो हो जाएगा ट्रस्ट विद डेस्टिनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1982 को। और यह भाषण किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है, एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया ने। फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको टेलीग्राम पर डेली क्विज प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 1947 में। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र 1947 में आया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो हमारे भारत का तिरंगा झंडा है उस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। ठीक है, 2:3 नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसरिया। हमारा झंडा का रंग कैसे है? तो सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडे में इस्तेमाल किया जाने वाला सफ़ेद रंग किस बात का प्रतीक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चाई और विचारों की पवित्रता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19(1) के तहत। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।